नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। राजस्थान की सियासत में कांग्रेस इस बार सत्ता परिवर्तन के रिवाज को बदलने की कोशिश में है। सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आपसी सारे गिले शिकवे भुलाकर एक हो गए हैं। वहीं कांग्रेस उम्मीदवारों की अब तक की जारी सूची में गहलोत का दबदबा दिख रहा है, तो पायलट भी अपने करीबी विधायकों को टिकट दिलाने में सफल रहे हैं, लेकिन दोनों ही नेताओं के कई समर्थकों को निराशा भी हाथ लगी है। सचिन पायलट ने कई करीबी नेता अब कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसमें सबसे प्रमुख जयपुर के पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल हैं, जिन्होंने शनिवार को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। खंडेलवाल ही नहीं बल्कि इस फहरिस्त में एक नाम ऐसा भी है जो कभी पायलट के समर्थन में खून से कांग्रेस हाईकमान को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब उन्हें टिकट नहीं मिल सका तो बीजेपी में एंट्री कर गए हैं। यह नेता पंडित सुरेश मिश्रा हैं, जो पिछले हफ्ते ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। यह कांग्रेस और सचिन पायलट दोनों के लिए ही बड़ा झटका माना जा रहा है। पंडित सुरेश मिश्रा को सचिन पायलट के करीबी नेताओं में से गिना जाता था। सुरेश मिश्रा ब्राह्मण महासभा को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं पिछले 5 सालों तक गहलोत और पायलट के बीच चली रस्सा कस्सी के दौरान सुरेश मिश्रा खुलकर पायलट के समर्थन में खड़े रहे थे। 25 सितंबर 2022 को केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जब एक प्रतिनिधि मंडल जयपुर भेजा गया था, तब गहलोत गुट के विधायकों ने विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेने के बजाय इस्तीफे का दाव चला था। ऐसा जाहिर तौर पर गहलोत की जगह पायलट को सीएम बनाने से रोकने के लिए किया गया था।